हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्यूमरेज स्टडी नंबर वन में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में ब्रज गुणन विधि से समीकरण को दोस्तों हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आएगा दोस्तों तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में ब्रज गुणन विधि की आपको छोटी से छोटी बातों बताऊंगा दोस्तों, जिससे आपको ब्रज गुणन विधि का कोई भी सवाल बनाने में आपको किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा आज के बाद, ये मेरा गारंटी है दोस्तों। सिर्फ आप दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है, 3x + 4y = 4, 2x + 3y = 2, ये दो समीकरण है दोस्तों। तो इसको ब्रज गुणन विधि से कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों लिख लेंगे क्या, देखिए इसमें x और y का मान निकालना है। हो सकता है यहाँ पे p q कुछ भी दे दिया जा सकता है और उसको मान निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। तो यहाँ पे x y का मान निकालना है, तो लिखेंगे सबसे पहले x बराबर y बराबर -1। दोस्तों देखिए, ये एक्स वाई क्यों लिखे हैं, यहाँ पे एक्स का मान निकालना है और यहाँ पे वाई का मान निकालना है। हो सकता है यहाँ पे पी रहता तो पी लिखते, यहाँ पे क्यू रहता तो यहाँ पे क्यू लिखते। इतना बात आपको सब में लिखना होगा, जिसका मान निकालना है ये आपको यहाँ पे लिखना है और लास्ट में -1 लिखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तीनों को बट्टा में एक लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से। सभी में दोस्तों आपको इतना काम करना होगा, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले x के नीचे में मान बैठाना शुरू करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए x वाले को ढक देंगे, ठीक है। इसके बाद जो बच गया उसको क्रॉस गुना कर देंगे, यानी कि 4y = 4 बचा है और 3y = 2 बचा है, तो इसको क्रॉस गुना कर देंगे, यानी कि 4 को 2 के साथ गुना कर देंगे और इस 4 को इस 3 के साथ गुना कर देंगे। हो सकता है दोस्तों यहाँ पर +4 के बदला में -4 भी दिया जा सकता है। जब यहाँ पे माइनस रहेगा दोस्तों तो -4 को 2 के साथ गुना करेंगे। हमेशा याद रखेंगे कि जो अंक है उसके पीछे में चिन्ह क्या है, ठीक है। तो x के नीचे में मान बैठाएंगे तो क्या करेंगे, इस 4 को इस 2 के साथ गुना करेंगे, तो लिखेंगे 4 × 2, ठीक है। इसको दोस्तों कोष्ट के अंदर में लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें माइनस लगा देंगे बीच में। और इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, देखिए इस 4 को 2 के साथ गुना कर लिया, अब इस 4 को 3 के साथ गुना करेंगे, तो लिखेंगे 4 × 3, ठीक है। x का काम हो गया, अब क्या करेंगे, y के नीचे में मान बैठाएंगे, तो क्या करेंगे, y वाले को ढक देंगे। अब क्या बच गया दोस्तों, देखिए 3x = 4 बच गया है और 2x = 2 बच गया है, तो क्या करेंगे, इस दोनों को भी कोना कानी गुना कर लेंगे, 3 को 2 के साथ और इस 4 को इस 2 के साथ गुना करेंगे, तो लिखेंगे 4 × 2 लिखेंगे, और बीच में आपको माइनस दे देना है। सभी में इतना काम करना है दोस्तों, बीच में माइनस देना है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 4 को 2 से गुना हो गया, अब इस 3 को इस 2 के साथ गुना करेंगे, 3 × 2। अब दोस्तों -1 के नीचे में मान बैठाएंगे, तो देखिए इसमें एक्स वाई नहीं है, तो बिना एक्स वाई वाले को ढक देंगे, 3x + 4y और 2x + 3y बच गया, तो इस दोनों को क्रॉस गुना कर देंगे, यानी इस 3 को इस 3 के साथ, इस 4 को इस 2 के साथ, तो लिखेंगे 3 × 3। बीच में आपको माइनस लगा देना है। इसके बाद इस 4 को इस 2 से गुना करेंगे, तो लिखेंगे 4 × 2, ठीक है। सब में इतना काम करना है। अब दोस्तों देखिए, इसको आप हल कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x बट्टा 4 को 2 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8, तो लिखेंगे 8, बीच में माइनस है तो माइनस देंगे, 4 × 3 क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12, तो लिखेंगे 12 बराबर y बट्टा 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8, तो लिखेंगे 8, माइनस है तो माइनस, 3 × 2 = 6 बराबर -1 है तो -1 लिखेंगे, बट्टा 3 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 3 × 3 = 9, बीच में माइनस है तो माइनस देंगे, 4 × 2 = 8। अब क्या करेंगे दोस्तों, पहले x का मान निकाल लेंगे, इसके बाद y का मान निकाल लेंगे। तो कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले इस x वाले को इस लास्ट वाले के साथ लिख लेंगे, इसके बाद दोस्तों इस y वाले को इस लास्ट वाले के साथ लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे x बट्टा, देखिए 8 में से 12 जाएगा तो क्या बच जाएगा, -4 बच जाएगा, तो लिखेंगे -4, और देखिए इस लास्ट वाले में क्या बच जाएगा, -1 बराबर -1 बट्टा 9 में से 8 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1, तो लिखेंगे 1। अब देखिए इसको हल कर लेंगे, x को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर इस 4 को -1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 4, तो x बराबर दोस्तों क्या आ गया, 4 आ गया। उसी प्रकार से दोस्तों y का भी करेंगे, तो क्या करेंगे, लिखेंगे y बट्टा,
आठ में से छः जाएगा तो क्या बचेगा, दो, तो लिखेंगे दो बराबर, माइनस वन है तो माइनस वन, बट्टा नौ में से आठ जाएगा तो क्या बचेगा एक, तो लिखेंगे एक। अब दोनों को क्रॉस गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, वाई को एक के साथ गुना करेंगे तो वाई बराबर, दो को माइनस एक के साथ गुना करेंगे तो क्या बचेगा माइनस दो, तो वाई का मान दोस्तों माइनस दो आ गया और एक्स का मान चार आ गया। तो दोस्तों अब ब्रजगुणन विधि से किसी भी समीकरण को उसी प्रकार से हल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।